आज्ञा दी है। वो दोनों हाथों को उठा के एक बार सुंदर सी जयकार लगाएंगे। बोली सरस्वती मैया की, बोली कुष्मांडा मैया की, बोली अपने अपने माता पिता की, बोली अपने अपने गुरुजनों की। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सहयोग के लिए। आइए अब यहीं से, जिसका आप सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, यानी जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम शुरू होता है। अब जैसा कि आदेश हुआ था, समय निर्धारित है, अब यहीं से दोनों कलाकारों के लिए यानी वंदना के बाद से हम लोगों के लिए समय जो निर्धारित किया गया है, प्रयास करूंगी उस अनुसार हम लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करें। आइए एक गीत आया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कीर्तन की एक विधा है और कीर्तन के क्या हम कलाकारों की भी एक मजबूरी है कि भी हम लोग इतने बड़े कलाकार नहीं हुए हैं कि हम लोग अपनी धुनों की रचना कर सके, इसलिए हम लोग सहारा लेते हैं बंबई वालों का। आप लोग जानते हैं क्योंकि अगर हमारा गाना और इन लोगों का बजाना समझ में ना आए तो दोनों लोगों का आना ही बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग सहारा लेते हैं बंबई वालों का। तो देखिए बंबई वालों ने एक गीत गाया, जो तर्ज गाई है उसका केवल सहारा ले रही हूँ। तर्ज उनकी है, मर्ज हमारा है। तो सुनेगा तर्ज एक बजी बंबई वालों ने गाई है, सबसे पहले उसको सुने उसके बाद बताओ। अरणी किशन भैया ये बहुत चर्चित है, बिल्कुल साधारण सा गीत दे रही हूँ माता रानी के चरणों में। गीत आता है, पंक्ति कहती है उसकी क्या कि आई हो कहां से गोरी, लेना देना नहीं है, मर्ज को सुनिएगा। प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर एकत्रित है भैया जी, सुनिएगा क्योंकि सवाल आप लोग सुनेंगे तभी जवाब समझ में आएगा। गीत कहता है मैया भैया जी, अरे रावण को मारे रघुवर, भगवान राम ने किया,
अंश का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, लेकिन पंक्ति सुनेगा भैया जी। रावण को मारे रघुवर, मारते कंस को यदुवर, माँ का ये कैसा चमत्कार, अरे माँ का ये कैसा चमत्कार, एक संग हुए कई अवतार। अब माँ की महिमा है, और किस माँ की महिमा है सुनेगा। अरे ललिता बाकी ये महिमा, आदरणीय किशन भैया, माता ललितांबा की महिमा है, बिल्कुल भा नहीं है। ललितांबा की ये महिमा देखी जब विचलित महिमा, यानी धरती माँ। अरे ललितांबा की ये महिमा देखी जब विचलित महिमा, वामा से अद्भुत चमत्कार, माँ के नखों से अवतार, अरे माँ के नखों से अवतार। आदरणीय शमानी, हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं अनिल भैया, आप उनके पिताजी हैं, यानी हमारे भी पिताजी हैं, क्योंकि वो हमारे भैया हैं। बिल्कुल बेटा, आदरणीय पिताजी के कर कमलों द्वारा ये 21 रुपए का आशीर्वाद है। मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ पिताजी से, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। भगवान भोलेनाथ ने जब कामदेव का काम तमाम कर दिया, आप सब लोग जानते हैं राख का ढेर पड़ा है, भगवान गणेश आए, उसका पुतला बनाया, उसमें जान डाल दी, और जैसे ही जान डाली तो उससे एक राक्षस की उत्पत्ति हो गई। सुनिएगा मेरा गीत कहता है, शिव ने जब कामदेव की भस्म काया, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बस उसी समय देखिए गणपति ने उसी भस्म से अद्भुत पुतला बनाया, और वही पुतला, वही तो पुतला जग में है भंडासुर। वो ही तो पुतला जग में है भंडासुर का, लेकिन उस राक्षस ने हर सारी सृष्टि को हिलाए, अरे सारी सृष्टि को हिलाए, अरे देवों को भी वो रुलाए, सारी सृष्टि को हिलाए, देवों को भी वो रुलाए, चहु दिस में जब था हाहाकार, चहु दिस में जब था हाहाकार, तो एक संग हुए कई अवतार। अब देखिए माता ललितांबा ने देखा ये राक्षस देवताओं को भी रुला रहा है, मानव तो मानव है, बिल्कुल। और जब देखा माता ललितांबा से रहा नहीं गया, उस भंडासुर का माता ललितांबा से आमना सामना हो गया युद्ध के लिए। अब देखिए होता क्या है,
के भंडा सुर रे आशीर्वाद भैया श्री कुमार शंकर रिशावा वाले आपकी ओर से 51 रुपए रानी हमीरपुर एंड मानो हमीरपुर आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं। दोनों लोगों से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनेगा रण में उस भंडा सुर ने कीनी है माँ से माया। अरे जो स्वयं माया है उस माया से माया कर रहा है वो राक्षस हिरण्यकश्यप को उसके भाई के संग प्रताड़ाया। हिरण्यकश्यप है तो हिरण्याक्ष भी है साथ में, और जब साथ में तो देखिए और भी कैसी माया फैला रहा है। संग में महिषासुर रावण, संग में महिषासुर रावण कंस को भी उपजाया। त्रेता में रावण है, द्वापर में कंस है, लेकिन ये सभी लोग इस समय एक साथ एक रणभूमि में एकत्रित हो गए भंडासुर की माया से। तो संग में महिषासुर रावण कंस को भी उपजाया, लेकिन सुर दल कुछ समझ न पाए। आखिर ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सुर दल कुछ समझ न पाए, जब सबके सब घबराए। अजब किया, अजब किया, अजब किया माने तब विचार। तभी एक संग सही हुए कई अंतिम बात सुनिएगा। ये तो भंडासुर ने माया की है, अब इधर महारानी ने क्या किया। जब उधर हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, रावण है, महिषासुर है, कंस है, कंस है, जब इधर एक तरफ राक्षस है, तो इधर माता रानी ने क्या किया सुनेगा। बता बता क्या किया। माने वाला नरसिंह किया है भैया। माने वारावा नरसिंह एक पल में है प्रकटाए, उसी रणस्थल में माता दुर्गा के संग में राम व कृष्ण भी आए। लीला से ही असुरों की जीवन लीला को मिटाए, इनको इन सब ने मारा। रावण को भगवान राम मार रहे हैं, कंस को भगवान कन्हैया लाल मार रहे हैं, माता दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है, महिषासुर का वध कर रही हैं। तो देखिए जब इन लोगों को सबने मारा, लेकिन उस भंडासुर का क्या हुआ। इनको इन सब ने मारा महिषासुर माने, इनको इन सब ने मारा भंडासुर माने संगारा। माता ललिताम्बा ने इनको इन सब ने मारा भंडासुर माने संगारा। तो आदित्य, अरे आदित्य वो आदित्य करते जय जयकारा। मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथों को उठा के आप लोग भी बोली दुर्गा मैया की, बोली ललिताम्बा मैया की।
सभी करते जय जयकार, तो एक सही हुए